हेलो फ्रेंड, मैं रेनू और आप सब कैसे हो। तो आज मैं अपने गार्डन में आई। दिन में तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है फ्रेंड और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए कितने अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, देख रहे हैं, दिन के 11 बज रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है। देखिए ये समर में मेरी अमरूद की पत्तियां झड़ गई थी, अब देखिए फिर से नहीं निकल रही हैं। देखिए, और ये देखिए कितना खूबसूरत हिबिस्किस का फ्लावर है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गार्डन में फ्लावर खिल रहे हैं, अच्छे से देख सकते हैं आप। ये देखिए हमारा एडनियम, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है अभी। इसके एक प्लांट था जिसको मैंने रिपोर्ट किया है। ये छोटे छोटे पेड़ क्या देखने आए थे हम लोग। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें ब्लूमिंग हो रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ। देखिए ये कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। और ये देखिए मेरी कटिंग थी कनेर की, और ये अपराजिता की है, और ये सुख शांति का है, और ये देखिए हमारा एडनियम। एक मैंने रिपोर्ट कर दिया है पॉट को, और ये वाला नहीं किया है, इसको मैं अब फरवरी में करूँगी। और सब कितने अच्छे से ग्रोथ पे हैं सारे, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे गार्डन का व्यू। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बोगनवेलिया और वाइट हिबिस्किस का कॉम्बिनेशन रेड एंड पिंक में, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है मैजेंटा कलर में। उधर मैक्सिकन पिटूनिया है और हमारी नीम है, और एक दिखती है नीम का पेड़। ये मेरा कितना बड़ा हो गया है अपने से निकला हुआ, देखिए बहुत अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं। रोज़ भी अच्छे से खिल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जाफरी गेंदा भी खिलने लगा है, मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगी। वो देखिए बटरफ्लाई खूब आने लगी हैं गार्डन में, आप देख सकते हैं। ये बोगनवेलिया कितना खूबसूरत लग रहा है बंचेस में, और विंका के प्लांट तो अपने से बहुत से निकले हुए हैं। देखिए ये खूबसूरत हमारा चांदनी का प्लांट है, आप देख सकते हैं, इसको भी मुझे ट्रांसप्लांट करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये कितने अच्छे से खिली हुई हैं, देख सकते हैं आप। 9 o'clock है ये। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर भी, आप देखिए। ये देखिए हमारा खूबसूरत चांदनी, इसमें इतनी खुशबू होती है ना फ्रेंड्स कि आपके गार्डन को महकाने के लिए काफ़ी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छे से खिलता है। ये देखिए ये कली है, कल खिल जाएगी। और ये देखिए मैंने हॉली हक की कुछ सीडलिंग इसमें की थी जो कि मेरे प्लांट निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं अपने कढ़ी पत्ते के प्लांट पर। देखिए ये हमारा कढ़ी पत्ता का प्लांट है, इसको फुल सन में रखिए मई जून की तेज़ गर्म धूप से बचाकर। और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, एक पार्ट रिवर सैंड, एक पार्ट काउडंग और एक पार्ट गार्डन सॉइल रेक, अच्छी सी मिट्टी बना लीजिए। इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये मेरा 1 साल का प्लांट है। पानी इसको दिन में एक बार ज़रूर चाहिए, और इसको आप अपने सौंदर्य के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, आप घर में ये सब्जी बनाने के लिए, छौंका लगाने के लिए, बघार लगाने के लिए भी, आप कढ़ी बनाने के लिए, स्वाद के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। और जिस तरह एक नीम का उपयोग होता है, इसको भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मीठी नीम भी कहते हैं। तो इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो उस पर एक पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो और इसकी पिंचिंग करते रहिए तो ये मेरे जैसा बुशी हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा प्लांट और कितना बुशी और हेल्दी है। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाएँ और ज़रूर यूज़ में लाएँ, काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो आज हम इसकी बात करते हैं सीड पे।
देखिए ये हमारा इसका सीड है, ये अभी और ज़्यादा पकेंगे और फिर ये और रेड रेड हो जाएंगे। तो जब ये रेड हो जाएगा तो उसको आप सीड को ग्रो कर सकते हैं। अभी जब ये ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको ग्रो कैसे करना है। सीड है ये, इसके पहली बार मेरे प्लांट में आए हैं तो अभी मैंने सीडलिंग से ग्रो नहीं किया, ये कटिंग से भी इजली लग जाता है फ्रेंड। ये कड़ी पत्ते का प्लांट जो है इजली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और आप ज़रूर लगाइए इसको घर में। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनको घर में ज़रूर जगह दीजिए, जैसे अजवाइन है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, मूली है, पालक है, और ये सब इजी टू ग्रो हैं तो फ्रेंड इनको ज़रूर लगाइए अपने घर में। टमाटर का प्लांट है वो भी एक या दो प्लांट आप ज़रूर लगाइए, मैंने लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये टमाटर के प्लांट हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे गांव से ला के दिया है खेत से, तो हमारे खेत में जो लगने के लिए आए थे उसमें से 8-10 प्लांट मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले आए। देखिए मैं इसमें से 2-3 तो ज़रूर ग्रो करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैंने ना सारे टमाटर के प्लांट में लगा देती। इससे ये है कितने बड़े हेल्दी है, मेच्योर प्लांट है, जल्दी से इसमें सीड्स बन जाएंगे और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और फ्रूट भी जल्दी आएगा। और अगर मैं बीज से ग्रो करूँगी वो तो बहुत ईजी, आप एक टमाटर काट के मिट्टी में दबा दीजिए, उससे भी आपके प्लांट निकल आएंगे और वो भी अच्छे हेल्दी होते हैं। मैं उस तरह से भी लगाती हूँ मगर मेरे हस्बैंड मुझे हर साल ये ला के दे देते हैं, मैं इस तरह से ग्रो कर लेती हूँ। अभी तो मैंने रात में लाए थे तो ये बड़ा मुरझाया हुआ सा था तो मैंने इसको इस ग्लास में डाल के पानी में रख दिया और देखिए सब फ्रेश हो गए, हेल्दी हो गए। और आज नहीं मैं कल इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगी किसी भी पॉट में, देखूंगी कौन से पॉट खाली हैं उस हिसाब से मैं इसको पॉट में मैं इसको ग्रो करूंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।